अस्सलामुअलैकुम, इट्स एनएस आरबी लाउंज और आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही डिफरेंट सी है। अच्छा जी, हम बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आपको पराठे की रेसिपी बना रहे हैं और हम बना रहे हैं गार्लिक अनियन पराठास, ठीक है। और हम इसको बना के ऊपर फ्रोज़न भी कर सकते हैं और आप फिर इसको जब चाहें यूज़ कर सकते हो। उसके लिए सबसे आपने पहले लेना है ऑल पर्पज़ फ्लोर मैदा जो होता है उसको ले लेना है, ठीक है। तकरीबन एक कप मैदा होगा, उसमें मैं 1 अनियन ऐड करूँगी, 2 गार्लिक इसको चॉप करके ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा नमक सॉल्ट के साथ थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन कोरिएंडर, मतलब धनिया, क्योंकि उससे जो है ना बड़ा कलरफुल सा हो जाएगा। आप इसको ऐसा डो भी बना सकते हो और आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसको डो बनाऊंगी, उसके बाद इसको रख के दोबारा फिर हम इजीली सुबह इसके पराठे बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। हम जो है 2 अदद गार्लिक लेंगे और 1 प्याज मैंने ले लिया, देख सकते हैं। और इसको आप जस्ट चॉप कर लेंगे, मैं डायरेक्ट इसके अंदर ही चॉप कर लूँगी। बारीक बारीक हमने इसको चॉप कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जैसे फिलिंग तैयार करते हैं ना, उस तरह आप फिलिंग भी कर सकते हैं। आप इसको लिक्विड में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा अच्छा लगेगा। अनियन एंड गार्लिक का ना फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आएगा। ये सारा इस तरह से करी, थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर, इस तरह से, ठीक है जी। अनियन आपको पता है वैसे ही अच्छा लगता है, चाहे वो ऑमलेट हो या आप चाहे तो इसमें अंडा भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से हमने बारीक सा जो है ना लहसुन को भी चॉप कर लेना, लाइक दिस। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक सा, ठीक है, क्योंकि मैं 1 जवाई डालती हूँ इस तरह से। और हम साथ में ग्रीन धनिया भी ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। जैसे गार्लिक ब्रेड्स होती हैं बहुत ही टेस्टी हो जाती हैं, आपको पता है। और इसके अंदर थोड़ा सा हम ग्रीन धनिया एंड हाफ जो है ना बिग साइज वाली चिली ऐड करेंगे, ठीक है। सो अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, देख रहे हैं आप, ठीक है। और सॉल्ट ऐड कर देंगे, थोड़ी सी शुगर भी मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए, ठीक है। रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया थोड़ा सा हमने, और हल्दी हम ऐड नहीं करेंगे, दस है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और आटे की तरह इसको गूंद लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको मिल्क से भी गूंद सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट नॉर्मल टेम्परेचर के जो पानी है वाटर से इसको जस्ट डो की फॉर्म बना लेंगे, ठीक है। हमने शुगर इसमें ऐड की तो इसको राइजन अप करने के लिए आपने ज़रूर छोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डो क्रिएट कर लेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं ना उसी तरह से आपने इसको बना लेना है। ये भी बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा एज अ लंच स्कूल के, कुछ चटपटा सा होना चाहिए, कुछ डिफरेंट। आप चाहें तो इसमें चीज़ का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। और इसको फिर रेस्ट करने के लिए भी छोड़ेंगे ताकि ये अच्छा सा राइज अप हो जाए।
फिर इसके हम छोटे छोटे पराठे बना के और फ्रीजर में भी रख सकते हैं इसको, ठीक है। और आप सुबह में उठ के इनको बना दें, या आप दो नीचे रख लें, अभी तो ठंडी है, और आप इनको बना के सुबह इनको दे सकते हैं। ये फाइन सा पेस्ट बन के इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अपने अकॉर्डिंग नमक मिर्च आप डाल दीजिएगा, ताकि आप चाहें तो इसको किसी भी शेप में बना के दें, जिस तरह भी आप देना चाहें अपने बच्चों को दे सकते हैं, तो आपके बच्चे इंजॉय कर सकते हैं, डिफरेंट शेप में भी इसको इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। आप चाहें तो इसको चक्की वाले आटे के साथ भी बना लें, लेकिन फाइन में थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेवर हो जाता है, तो इसलिए हम बच्चों को दे सकते हैं इस तरह। और इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये अच्छे से जो है ना अपनी जगह पे राइस अप हो जाए, फिर हम इसके बना के रख लेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह से छोड़ रहे हैं अभी। सो तकरीबन 25 या आधे घंटे के बाद आप इसको देख लें, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और गूंद लेते हैं। आपके सामने मैं अभी थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छे से गूंदती हूँ, और फिर हम अच्छे से छोटे छोटे बेड़े बना लेंगे, और आपको एक फ्राई भी करके मैं दिखाऊंगी किस तरह का बनता है, ठीक है। हाथों को आपने थोड़ा सा ना इस तरह से ग्रीस कर लेना है ऐसे, और फिर आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है, जैसे आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। चाहें तो अभी आप सारे पेड़े बना लें, चाहें तो आप बाद में बना लें, तो अभी हम पेड़े बना लेते हैं, ठीक है। ये देखें, और मैं एक आपको बना के भी दिखा देती हूँ। सो अब हमने क्या करना है, मैंने इसको इसमें निकाल लिया है, और एक छोटा सा पेड़ा हम बनाएंगे, और आप अपने बच्चों के लिहाज से इसको बना सकते हैं, किसी शेप में कट चाहें तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बेल के बहुत इजीली ये बिल भी जाएगा, ठीक है। किसी भी शेप में आप इसको कन्वर्ट कर सकती हो, और किसी भी साइज में। अच्छा, आप इतना साइज बना लेंगे जितना आपका बच्चा शौक से खा ले, क्योंकि मैं उनको जस्ट वन पराठा ही तो नहीं दूंगी, साथ में कुछ ना कुछ हम डिफरेंट भी बच्चों को देंगे, तो आपने उस हिसाब से इसको बना लेना है, ठीक है जी। इन एनी शेप यू वॉन्ट टू मेक इट, ठीक है, किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैंने जस्ट रैंडम सा इसको बनाया है, ठीक है, और मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा गोल शेप में कर लिया, पहले ये दोनों अजीब सी शेप में लग रहा था मुझे, मैंने इसको थोड़ा सा राउंड राउंड शेप कर लिया है, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो ठीक है, ये साइज मैंने रखा है। अब हम तवा गर्म करते हैं और उस पर लगाते हैं। आपने तवा या पैन में बनाना है, गर्म कर लिया, और इस तरह से आप इसको डाल दोगे, ठीक है। हीट हमने नॉर्मल रखी है, तवा आपका गर्म होना चाहिए। साइज़ आप अपने बच्चों के लिहाज से बड़ा या छोटा कर सकते हो। मैंने बहुत बड़े साइज़ में नहीं बनाए, क्योंकि मैं ऑब्वियसली साथ में कुछ और भी खाने को दूंगी बच्चों को। तो ये आटा आप इस तरह से बना के रख सकते हो। आप चाहें तो इसको लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी इस फॉर्म में बताया, फिर मैं आपको लिक्विड में भी बनाना सिखा दूंगी। और इस तरह से आपने इसको करना है, और इसको अच्छे से आपने सेक लेना है। आप चाहें तो इसको चक्की वाले आटे में भी बना सकते हो, जो ब्राउन होता है, मैदे ऑल पर्पज़ फ्लोर में भी बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही मज़ेदार, आपके बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। इट्स बेसिकली लंच बॉक्स रेसिपी। सो अब हम इसको हल्का सा ऑयलिंग करेंगे, घी ऑब्वियसली, और मज़ेदार सा पराठा बनेगा, अनियन गार्लिक कोरिएंडर पराठा, मज़े का। सो इसको हम सेकते हैं, और फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम जो है इसको लगाएंगे ऑयल या घी, आप जो भी लगाना चाहें, हल्का सा मैं लगाऊंगी लाइक दिस, और इसको हम कर लेंगे टर्न, देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे हम इसको, मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाएंगे, और इसमें ये जो गार्लिक एंड अनियन है वो पक भी जाएगा, और इतना मज़े का टेस्ट डिवेलप करेगा कि आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। यू कैन सर्व इट विद चटनी, और ग्रीन चटनी विद मायोनीज, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इसको वैसे बच्चे रूखे भी खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनता है ये। तो हम इसको इस तरह से सेक लेंगे अच्छे से,
देख सकते हो, देखने में ही इतना मज़ेदार है। आप चाहें तो इसके अंदर हल्दी ऐड कर सकते हो, इससे येलो कलर का हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। लेकिन मैंने इसमें कलर इसलिए नहीं ऐड किया कि ये अपना ही बीच में ग्रीन चिली प्याज, इसकी खुशबू इतनी भीनी भीनी सी खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना पूरे किचन में खुशबू आपके फैल जाएगी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार किस्म का पराठा, इवन आप खुद भी खा सकते हो, बहुत ही मज़े का लगेगा आपको और बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। आप उनको लंच टाइमिंग में ज़रूर बना के दीजिएगा, बहुत टेस्टी और मज़ेदार ये पराठे बनते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हूँ तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियोस होगी, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो, ब्लॉग हो या अदर एनी वीडियोस, तो आप तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। सो ये देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त किस्म का बना है, वाओ इट्स लुक अमेजिंग। आप अच्छा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऑयल या घी कर सकते हो, ठीक है, बच्चों के लिहाज से। बस इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रॉपर गैस आई है तो मैंने कहा कि ना आपके साथ कोई लंच बॉक्स और कुकिंग की रेसिपी शेयर कर ली जाए। सो मैंने इसलिए ये आइडियाज़ लेकर आए कि लंच बॉक्स की रेसिपी, क्योंकि ये आप आराम से रात में बना के रख सकते हो, सर्दी है ख़राब नहीं होगा। ये आप हाफ डन इस तरह से बेल के ऊपर रख सकते हैं और सुबह में आप जस्ट इसको इस तरह से करके और बच्चों को दे सकते हैं। आप इसको लिक्विड डो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सब इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लें और आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अंडा भी ऐड कर सकते हो और ज़्यादा टेस्टफुल बनाने के लिए। इंशाल्लाह वो लिक्विड डो की मैं रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी बहुत ही जल्द। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ रेसिपी, आप देख सकते हो कितना मज़ेदार क्रिस्पी सा पराठा तैयार हुआ है, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कीप सपोर्टिंग मी। ये थी बच्चों की आज की लंच टाइम स्पेशल रेसिपी, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और इस तरह की मजीद रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप तक न्यू जो इतनी भी रेसिपी हो वो पहुंच सके। मज़ेदार किस्म का अनियन गार्लिक पराठा तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह का लगा।